दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वीवो के वीवो जेड 5X के बारे में, जो कि सैमसंग के M40 को टक्कर देने के लिए इंडिया में लॉन्च की जाएगी बहुत ही जल्द, और कंपनी ने इसका वीडियो टीज करना भी स्टार्ट कर दिया है। तो आज के इस वीडियो में हम इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों इस स्मार्टफोन की डिस्प्ले से। तो यहाँ पर आपको एक 6.5 इंच की फुल HD प्लस की डिस्प्ले देखने को मिलती है, जैसा कि आपको सैमसंग के M40 में देखने को मिलता है। साथ ही में बात करें अगर इस स्मार्टफोन की कैमरे की, तो यहाँ पर आपको बहुत ही बेहतरीन ट्रिपल रियर कैमरा का बैक साइड में सपोर्ट देखने को मिलता है। प्राइमरी कैमरा 16 मेगापिक्सल का, सेकेंडरी 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल लेंस एंड थर्ड 2 मेगापिक्सल का एक डेप्थ सेंसर देखने को मिल जाता है। और वही बात करें इसकी डिजाइन की, तो यहाँ पर आपको एक ग्रेडियंट फिनिश देखने को मिलती है, जैसा कि वीडियो में देख सकते हैं कि एक ग्रेडियंट फिनिश के साथ आएगी। और साथ ही में इस स्मार्टफोन के बैक साइड में आपको एक फिजिकल फिंगरप्रिंट सेंसर का सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा। अगर फ्रंट की बात करें, तो यहाँ पर आपको एक पंच होल डिस्प्ले देखने को मिलती है, जिसमें 16 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिल जाता है आपको। दोस्तों इस स्मार्टफोन में बताया जा रहा है कि कोर्निंग के गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन भी दिया हुआ है, सो बहुत ही बेहतरीन बात है। अब दोस्तों बात करते हैं इसके प्रोसेसर की, तो यहाँ पर आपको स्नैपड्रैगन के 710 का चिपसेट देखने को मिल रहा है इस स्मार्टफोन में, जो कि एंड्रीनो के 660 की GPU के साथ आएगी, और आपको गेमिंग में बहुत ही मजा आने वाला है दोस्तों। अब दोस्तों बात करते हैं स्मार्टफोन की सबसे बेहतरीन फीचर्स की, तो यहाँ पर आपको एक 5000mAh की बैटरी देखने को मिलती है, जो कि फास्ट चार्जर को सपोर्ट करती है, और आपको बॉक्स के अंदर ही एक फास्ट चार्जर भी देखने को मिल सकती है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों स्मार्टफोन की ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो यहाँ पर आपको एंड्रॉइड पाई का सपोर्ट आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिलेगा, जो कि वीवो के फन टच OS के साथ आएगी। तो आपको क्या लगता है इस स्मार्टफोन के बारे में, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों फाइनली बात कर लेते हैं स्मार्टफोन की प्राइसिंग की, तो इस स्मार्टफोन की जो प्राइसिंग होने वाली बेस वेरिएंट की, वो इंडिया में आपको 13,000 rupees तक देखने को मिल सकती है। और अगर इस स्मार्टफोन की रिलीज डेट की बात की जाए, तो इस स्मार्टफोन इस महीने के अंत तक या जुलाई के फर्स्ट वीक तक आपको इंडिया में देखने को मिल जाएगी। क्या दोस्तों आप इस स्मार्टफोन के लिए एक्साइटेड है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फाइनल दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, तो वीडियो को लाइक करके कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक कीप स्माइल एंड गुड बाय।